बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, तो हम आपको बता दें कि छवि रंजन जो पूर्व डीसी हैं, रांची के आईएएस अधिकारी हैं और प्रेम प्रकाश पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के नाम से ज्यादा मशहूर है, उन्हें एक बार फिर झटका लगा है हाईकोर्ट से। उन्हें बेल नहीं मिली है, यानी अब इस साल की होली उनकी जेल के अंदर मनेगी। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है कि बार बार प्रयास के बावजूद भी प्रेम प्रकाश और छवि रंजन को जमानत नहीं मिल रही है, और जब अदालत में इनके मसले पर सुनवाई हुई तो एक बार फिर बेल पिटीशन खारिज कर दिया गया है, जो इनके लिए काफी निराशाजनक खबर है। नीरज, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? लगता है कि होली तो इनकी अंदर बीतेगी ही, अभी इनका छूटना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब जो प्रमोद पंकज मिश्रा है उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी अवैध खनन मामले में, उसके बाद जो पावर ब्रोकर कहे जाते हैं प्रेम प्रकाश, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और अवैध खनन से पूरा मामला जो था वो जुड़ा हुआ था। उसके साथ उनके आवास पर जब छापेमारी की गई थी तो दो हथियार मिले थे, कई कारतूस बरामद किए गए थे, एक कछुआ था जो बरामद किया गया था और वो अलग प्रकार का कछुआ था और ये कहा जा रहा था कि वो अवैध तरीके से वहाँ पर रखा गया था। तो कई और मामले थे उस समय जो है जोड़ा गया था और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अगर बात करूँ छवि रंजन की, तो छवि रंजन मामले में ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ था वो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था और 13 अप्रैल को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी और दबिश देते हुए पहली बार देश में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ करने के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन का नाम सामने आया था, जिसके बाद 4 मई को छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से छवि रंजन जेल में हैं। और दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और ये उम्मीद जता रहे थे दोनों की झारखंड हाईकोर्ट से दोनों को जो है राहत मिल सकती है। लेकिन न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब दोनों की होली जो है जेल में बीतेगी। और अगर बात करूं प्रेम प्रकाश की, तो प्रेम प्रकाश 2022 से ही जो है जेल में है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेल से बाहर आए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। अवैध खनन मामले के साथ साथ जमीन घोटाले मामले में भी जो है उनका नाम शामिल हो गया है, जो चेसायर होम की जमीन है उसमें कहीं ना कहीं जो है आरोप गठित हुआ है और उसमें प्रेम प्रकाश का नाम जो है शामिल हुआ है, क्योंकि प्रेम प्रकाश ने पूरे जमीन की खरीद बिक्री के लिए जो है नए लोगों को एक तरह से कहें तो फर्जी लोगों को वहां पर लाया था और फर्जी कागजात के आधार पर जमीन की बिक्री की थी। और इसी मामले में जो जमीन कारोबारी हैं या फिर कह सकते हैं कारोबारी हैं विष्णु अग्रवाल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि वो भी बेल पे बाहर हैं। तो पूरा मामला जो है वो काफ़ी संगीन है और दो दो मामला जो है प्रेम प्रकाश के साथ जुड़ता हुआ दिखा है, और क्योंकि उनका प्रभाव बहुत है। इससे पहले आपने देखा होगा जब जेल में छापेमारी की गई थी ईडी के अधिकारियों की ओर से, तब जेल में एक साजिश का पता चला था और ये कहा गया था कि प्रेम प्रकाश ने एक महिला को जेल में बुलाया था और उस महिला के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की गई थी। तो ये मामला भी जो है कोर्ट में है, कोर्ट में इस बात को बताया गया था किस तरह से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो है साजिश रची जा रही थी और प्रेम प्रकाश की इन्वॉल्वमेंट जो है सबसे अधिक दिखाई गई थी, किस तरह से पूरे मामले में प्रेम प्रकाश इन्वॉल्व है। और छवि रंजन की बात करूं तो छवि रंजन पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं, अगर बात कर लूँ बजरा की जमीन या चेसायर होम या फिर सेना की जमीन, ये तीन जमीन में कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है छवि रंजन की रही है और इन्हीं के आदेश पर इतने ये जो जमीन का कब्जा हुआ था वो हुआ था और इन पर तीनों वो जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप लगा था और यही वजह था कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने याचिका जो है पीएमएलए कोर्ट में दिया था जमानत को लेकर और जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट से खारिज हो गई थी, उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट वो पहुंचे थे और झारखंड हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। और देखिए उदय, बता दूं तो चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है, छवि रंजन के साथ साथ 10 और ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है उस चार्जशीट में दाखिल है, जिसमें अफसर अली, प्रदीप बागची, तलहा खान, सद्दाम हुसैन, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो कहीं ना कहीं इस पूरे जमीन घोटाले मामले से जुड़े हुए हैं। और अभी लगता नहीं कि इन दोनों को जो है राहत मिलने वाली है क्योंकि मामला जो है काफ़ी संगीन है
और कई और भी आरोप इनसे जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है ईडी लगातार इनपुट्स दे रही है, लगातार कोर्ट्स को जानकारी दे रही है, और जब जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है कई और भी मामले जो है वो उजागर हो रहे हैं। तो यही वजह है कि कोर्ट में ये रीजंस जो है जरूर दिया गया होगा, और यही वजह है कि कोर्ट ने इनकी याचिका जो है खारिज कर दी है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएमएलए एक्ट के वजह से इन्हें भी जमानत नहीं मिल पा रही है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी आगे क्या कुछ एक्शन लेती है और इन्हें सजा के बिंदु पर क्या होता है, क्योंकि फिलहाल इन्हें आईएएस छवि रंजन और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।